ये जी हॉस्टल है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शकरगढ़ का, और ये इसकी वीरानी देखिए। यहाँ पे कोई नहीं रह रहा, किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है, और ये खस्ता हाल रूम है। देखिए इधर गंदगी के ढेर हैं, फहाशी का अड्डा बना हुआ है। ये किसी दौर में यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट रहता था, मेस वगैरह भी चलता था, लेकिन आज की सूरत हाल देख लें। यहाँ पे दूर दराज से स्टूडेंट इधर आते हैं, लेकिन उनकी रिहाइश का मसला है। रिहाइश बनी हुई है लेकिन इसकी कोई केयर नहीं करता, ना कोई रेनोवेशन का काम हो रहा है। अजारादारी कायम की हुई है। ये इनका मेस हॉल होता था, आप देखें ये किस तरह, ये अखबार रखने के लिए होता था। इधर बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल था, लेकिन अब इनकी खस्ता हाल देखिए। इनकी खस्ता हाली का आलम यह है कि यहाँ पे डर आ रहा है, किसी किस्म का कोई भी फर्द इधर नहीं रहता, और ये मोहल्ले वालों ने इसे फहाशी का अड्डा बनाया हुआ है। ये लाखों करोड़ों की मलकियत है, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये देखें जी, ये हमारा टीवी रूम होता था किसी दौर में। ये सामने देखें, ये जानवर इधर फिर रहे हैं। ये वॉशरूम से उनकी खस्ता हाल देखिए। एक ड्रोनी चीज़ बनी हुई है इधर, ऐसे कुछ जिन भूत थे। यहाँ पे जंगवी साहब मुस्तफ़ा साहब का रूम था ये वाला, इसकी हालत देखिए। वायरिंग तक उखाड़ के ले गए हैं लोग। मेरा मुतालबा है असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ से और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शकरगढ़ से कि बराए मेहरबानी इनकी तरफ तवज्जो दें। आप लोगों का थोड़ा सा खर्चा आएगा और ये दोबारा अच्छा वाला हॉस्टल बन जाएगा। दूर दराज से आए हुए लड़के जो रोज़ाना के बेस पर घर नहीं आ सकते, वो इधर रह सकते हैं। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन ये चंद प्रोफेसर्स की नाअहली की वजह से इसका ये हाल हो गया है। तो मेरा असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शकरगढ़ से मुतालबा है कि इसकी रेनोवेशन के लिए इकदाम किए जाएं। मैं 2014 में इस हॉस्टल का नाज़िम था, उस वक्त तो बहुत अच्छा चल रहा था, 100 के करीब स्टूडेंट थे, मेस हॉल था, सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम होता था, लेकिन आज ये देख के मैं अफसरदा हो गया हूँ, रोने को दिल कर रहा है कि इसका ये हाल कर दिया गया है। मेरा नाम अवैस आज़म है और मैं इधर नाज़िम रहा हूँ 2 साल तक, लेकिन आज इसकी हालत देख के बहुत अफसरदा हूँ मैं। मेरा मुतालबा है असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ से कि इसकी खस्ता हाली और इसके साथ साथ प्रिंसिपल प्रोफेसर साहबान से भी गुजारिश है कि जब तक आप लोग यहाँ रहते थे तब तक तो ठीक था, अब आप लोगों का ट्रांसफ़र हो गया वार्डन का, सुपरिटेंडेंट का कहीं और, तो ये हॉस्टल की हालत देख लें। मेरी इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर करें। ये तकरीबन फांसी का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पे वायरिंग तक उखाड़ दी गई है, पंखे ले गए हैं सारे, बेहतरीन रूम है, हर तरह की सहूलत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, इसकी वजह से ये खंडर बन चुका है।